इंदौर की राव विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा ने जनसंपर्क के साथ ही कार्यालय खोलकर चुनावी रणनीति करना शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है। जगह जगह प्रत्याशी अपने कार्यालय खोल रहे हैं। विजयश्री के लिए लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर की सबसे चर्चित विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा ने चुनाव कार्यालय खोला। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान क्षेत्र की जनता और महिलाओं ने मधु वर्मा का जोशीला स्वागत भी किया। राव विधानसभा में मधु वर्मा के सामने कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक जीतू पटवारी हैं। लिहाजा सियासी गलियारों में चर्चा है कि दोनों उम्मीदवारों के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। इस दौरान पूर्व नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने मंच से भाजपा कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और बूथ मैनेजमेंट की बात कही। एक्सटेंशन कैलाश शर्मा, कार्यकर्ता के लिए हमने पहले दो नारे लगाए थे। एक नारा हमने बोला था कि इस पूरे देश को हम कांग्रेस विहीन कर देंगे, और फिर दूसरा हमारा नारा था कि हमारे बूथ को कांग्रेस विहीन कर देंगे। हमने ये योजना बनी है और आरंभ से हम बूथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि हमारी बूथ की पूरी टीम बनी हुई है। हमारे नगर की जब मैं अध्यक्ष था, उसके बाद में गोपी भी अध्यक्ष थे, बूथ की हमने पूरी टीम बनी। आज विश्व की हम सबसे बड़ी पार्टी है जिसके 10 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं, और बूथ के ऊपर उसकी पूरी इकाई गठित हो चुकी। पिछली पराजय से सबक लेते हुए हमें इस बार हमारी जो मेहनत है उसे दुगनी करना पड़ा। इसके लिए मेरा आपसे एक निवेदन और है कि हम बूथ पे तो कार्य कर ही रहे हैं, पर साथ में हमें अपने रिश्तेदार, अपने परिचित, अपने मित्र, अपने स्कूल के दोस्त, अपने कॉलेज के दोस्त और अपने व्यावसायिक मित्र जितने भी जो हमारे संपर्क में हैं उनकी लिस्ट हमें बनाना पड़ेगी। वो लिस्ट बनाकर व्यक्तिगत उनके घर जाकर बात करना पड़ेगी प्रत्येक कार्यकर्ता। इस मौके पर हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी मोघे, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।